राजू जी हेलो गुड यस मैम यहाँ पे देखिए यस हम लोग सेंटर सर मैम सर आपके लेफ्ट लेते लेफ्ट 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 आपके लेफ्ट आपके लेफ्ट जरा दो अंदर चलते अंदर सेंटर राइट बोल ना आवाज आएगा सब्र का फल मीठा होता है सो आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी बहुत मीठा इस प्रोमो पे हमने बहुत समय से मेहनत की है एंड पूरी हमारी स्टार का सभी यहाँ पे मौजूद है मगर यस कुछ हमारे स्पेशल सेलिब्रिटीज हैं वो अपने शूट से टाइम निकाल के पहुंच रहे हैं बट पहली बात थैंक यू सो मच मीडिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रितेश एक्सपेंडेबल मीडिया दूसरा पानी आपके लिए फॉर मेकिंग इट टू द प्रोमो लॉन्च ऑफ नाचेगा इंडिया वी गाइस आर एक्साइटेड जितना आपने सब्र किया है मैंने भी उतना सब्र किया है हाँ एक रिक्वेस्ट है फोन साइलेंट पे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद आज से फाइनली आप लॉन्च कर रहे हैं नाचेगा इंडिया प्रोमो बिकॉज़ आई पर्सनली नो कि तकरीबन डेढ़ दो महीने से प्रोमो पर जब इतनी मेहनत की जाती है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग सब मीडिया चैनल से कितनी शिद्दत के साथ ये प्रोमो जो है बनाया गया है सो राजू जी क्या कहना चाहेंगे आप सही मायने में मेहनत जिन्होंने की है उनका नाम मैं बड़ा मैंने कुछ लाइन्स लिखी है हमारे सभी गेस्ट के लिए तो ये पॉपुलर फेस को बुलाने से पहले जो मेरी को होस्ट भी होने वाली है आज बहुत सब खुशी के सदमे में होंगे इनकी लाइन लिखी है मैंने जिनकी अदाओं पे पूरा इंस्टाग्राम इनके पीछे पीछे दौड़ा प्लीज वेलकम रही गुंजन सक्सेना से लेके मुरी से लेके पता नहीं कितनी फिल्में कर चुकी हैं कितनी साइन कर चुकी हैं वो सब हम नहीं बता सकते हैं ना मगर ये शी इज अ वेरी पॉपुलर फेस एंड माय को होस्ट रिवा वेलकम यार थैंक यू रिवा टेल अस हाउ आर यू फीलिंग हाउ एक्साइटेड आर यू टू वॉच द प्रोमो फाइनली डिस्प्ले में बहुत मेहनत मैंने भी अभी तक नहीं देखा है क्योंकि सर ने सबके लिए सरप्राइज रखा है सर ने अभी तक किसी को भी नहीं दिखाया आपने भी देखो तो सर जल्दी दिखा दो बस उनके साथ ही थैंक यू सो मच रिवा आई बहुत एक्साइटेड हूँ यार इतना कैसा काम किया देखेंगे हम लोग बट उनके साथ हमारी जो स्टीम ज्यूरी है उनकी बहुत ही अहम मेंबर हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही रह गया क्या बात है मैं इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखी जो मैंने वो ये है कि इनके जैसा ना कोई दूजा मेरी फेवरेट लाइन इनके लिए हमेशा यूज करता हूँ मैं प्रोमो में भी यही है इनके जैसा ना कोई दूजा प्लीज वेलकम विशाल एंड पूजा आज मैंने एक बार मिस कर दी है
क्या बात है, वार्म वेलकम विशाल, वार्म वेलकम पूजा, यू गाइस आर लुकिंग डैपर यार, अमेजिंग। सो जल्दी से अपना बच्चे बताइए कि आप कितने एक्साइटेड नर्वस फील कर रहे हैं बिफोर वी फाइनली सी प्रोमो ऑफ नाचेगा इंडिया। थैंक यू सभी मेरी टीम को बोलना चाहूंगा और ये मेरा फर्स्ट टाइम है बहुत बड़ी शो में जैसे के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ वर्क करने के लिए और पूरे टीम की काफ़ी मेहनत है, सभी लोगों ने साथ दिया है, सबने गाइड किया है, मेरे तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी शो में एडजस्ट करने के लिए, काफ़ी नर्वस हो रहा था जब कैमरेज मेरे सामने आए और कुछ लोगों ने डीमोटिवेट किया कि तुम नहीं कर पाओगे जिन्होंने हमारा टाइटल ट्रैक जो है आई गारंटी वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, यू कैन हैव गूज़बम्प्स बिकॉज़ इट्स वेरी वेरी सिंटिलेटिंग। सो जिन्होंने इसको बनाया है ऑफ कोर्स अमित मिश्रा की आवाज है जिनको आप सब जानते हैं, भूलिया गाना गाया, बॉलीवुड में तमाम गाने गाए हैं उन्होंने। इस गाने के जो जिन्होंने इसको कंपोज किया है मयंक शुक्ला जी का स्वागत है इस चीज पे, थैंक यू मयंक जी जो आपने हमें ये ट्रैक दिया है, जो म्यूजिक दिया है जिसे देश भर में रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वार्म वेलकम मयंक, थैंक यू सो मच, वेरी मींस अ लॉट टू बी ऑन स्टेज। And here is the music producer of the track also. क्या बात है, मुझे अगर रैपअप करना है आपको, मतलब इतना कमाल का देशभक्ति का एक तरह से आपने गाना बनाया है। So tell us sir, some photo put se ki before you were making aaj media dekhne wala padta hai. Yeah, actually thoda sa tricky tha song Nachega India, ek title track, ye bahut hi acha track actually hamari meri aur Vishal ji ki baat kisi dusre song pe ho rahi thi. तभी इन्होंने बताया कि एक ये रियलिटी शो हम कर रहे हैं, उसका टाइटल ट्रैक भी हमें चाहिए, तो मैंने उनसे शो का फॉर्मेट पूछा एंड टाइटल पूछा, फिर उसको लिखा एंड फिर कंपोज किया एंड उसका म्यूजिक मानो ने बनाया, देन रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बात, जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं चाहूँगा हमारे सभी नाचेगा इंडिया हम पहली बार अभी जो आपने जितने भी शो देखे अभी तक जो लोग आए हैं ज़्यादातर शहर से मतलब हैं, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये हम गांव में वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ पे सच में जो लोग हल चलाते थे जिसके अंदर टैलेंट है बट वो खेती कर रहे हैं छोड़ दिया, पैसे नहीं है तो वहाँ से लेके आए और उनको चार्ज करें। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है ये पहले भी ऐसा देखा आपने कहीं पे? नहीं देखा नहीं था, मैं बैठा हुआ था, विशाल आया, मैं विशाल बैठे सोच रहे थे कि यार शो बनाने हैं तो क्या करते हैं, तो हमने डिस्कस किया आपस में, डिस्कस करके फिर ये हमने स्टार्ट किया कि नहीं चल टैलेंट लेके आते हैं छोटे छोटे शहरों से वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक अभी तक कोई चैनल गया नहीं,
सब शहर से यहाँ से वहाँ से करके लेके आए, रियल टैलेंट लेके आएंगे उस जगह से जहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं। अभी डायलॉग में भी आपने सुना होगा, सबीना जी ने बोला, मुदस्सर ने बोला, सब ने बोला, तो ये वही पूरा। विशाल आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और शुरुआत कर चुके हैं और कहाँ तक प्रोग्रेस किए हैं, क्या आगे का प्लानिंग है, किस तरह से ऑडिशंस करने वाले हैं? इसका सारा सेटअप हो चुका है, लाइनअप रेडी है। हम लोग हर गाँव में जाएंगे, ऑडिशन हम लोग अभी अनाउंस करने वाले हैं, डेट अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग कब से ऑडिशन लेने वाले हैं। इसमें हम लोग वही कंटेस्टेंट लेके आएंगे जो एक्चुअल में टैलेंटेड हैं, और हमारे शो का कॉन्सेप्ट है कि इसमें हमें स्टंट्स, जंप वगैरह, जंप टाइप के जो डांस होते हैं वो सब नहीं रहेंगे, एक्चुअल डांस दिखाया जाएगा। और ऐसे ऐसे हम लोग गाँव में जाएंगे जहाँ पर हमारे बड़े बड़े शो स्टार प्लस ये सब सारे चैनल्स के होते हैं, वो लोग जा नहीं पाते, या फिर मेन मेन सिटीज़ में लेते हैं, गाँव में तो जाते नहीं है। हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ के अच्छे अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी चांस देंगे हम लोग। शबीना जी और मुदस्सर दोनों बहुत फेमस कोरियोग्राफर हैं, उनका एसोसिएशन क्या है वो बताइए, और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस इनिशिएटिव के लिए? वो लोग काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक आज वो लोग हमारे बीच में है नहीं क्योंकि वो लोग अभी शूट पे हैं, आने वाले थे, बट शबीना जी के ब्रदर यहाँ पे आए हुए हैं, सरजील जी आए हुए हैं, सरजील जी, तो सरजील जी को मैं बुलाना चाहूँगा प्लीज स्टेज पे। सबीना खान जी के भाई हैं, सही भाई, सरदीप भाई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? या सी इस शो से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर वेरी सॉरी, एंड सबीना जी ने विश भेजा है सबके लिए और स्पेशल मीडिया के लिए भी सॉरी बोला उन्होंने कि वो प्रेजेंट नहीं हो सके, मेरे को शूटिंग में ले रहा था, मैं ये इस इवेंट के लिए और रिहर्सल के लिए रुक गया था, मैं कल से उनको ज्वाइन करूँगा। तो ये शो शबीना जी को बहुत बार ऑफर आए थे रियलिटी शो के, उन्होंने कभी लिया नहीं शो को क्योंकि वो फॉर्मेट उनको कभी समझ में नहीं आता था, बट ये शो का उनको फॉर्मेट समझ में आया कि जो सर ने बोला था कि हम वहाँ से लेकर आएंगे जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, ना वो लोग हम तक पहुँच पाते, तो हम वहाँ वहाँ जाके लोगों को उठाएंगे कि इतना अच्छा डांस करते हैं। और द बेस्ट पार्ट जो उनको लगा था, जो मेरा भी इस शो से जुड़ने का रीज़न ही था, बेसिकली आई बी डूइंग होल शो का कोरियोग्राफी, आई बी टेकिंग केयर ऑफ दी कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, सो हम दोनों का जुड़ने का ये एक ही रीज़न था सबसे बड़ा, कि हम लोगों को एक अगर हमने नोट किया सब इससे सहमत हो गए कि हमारे रियलिटी शो जो है डांस का वो कुछ अलग लेवल पर डाल सकता है, इट्स मोर ऑफ सर्कस अगर आप देखोगे, तो मैं नाम नहीं लूँगा तो शो का, तो हम लोगों का इसमें मकसद था जुड़ने का, एक ही रीज़न था सबसे स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पर डांस होगा एक्चुअली, यहाँ सर्कस नहीं होगा। सर्कस मतलब इन द सेंस जो अल्टा पल्टी होता है वो 10-15% लोगों को अच्छा लगता है, बट आप पूरा शो पूरा डांस परफॉर्मेंस उस पर नहीं बेस कर सकते। और सेकेंड थिंग, आजकल के रियलिटी शो में ये हो रहा है कि कॉन्सेप्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है वो एक शॉर्ट फिल्म चल रही है, कम ऑन यार हम डांस कर रहे हैं, द ग्लिम्स ऑफ बॉलीवुड, द एक्सप्रेशन, द बॉडी लैंग्वेज भी, कमल कपूर, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, वो ख़त्म हो गया हमारे यहाँ से। तो हम लोगों का मकसद है, शबीना जी मुदस्सर, हम लोगों का सबका, कि हम सबका कि वो चीज़ को यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि जब इंसान डांस करता है तो हम उसके हाथ पैर नहीं देखते कहाँ जा रहे हैं, हम उनके फेस को देखते हैं खाली, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वॉट इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग, तो वो जब फेशियल एक्सप्रेशन ही वीक हो जाएगी तो आप डांस का मज़ा कैसे आएगा। तो मेन हम लोगों का जुड़ने का, शबीना जी के जुड़ने का ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था जो हम लोगों ने लेकर आया, इसलिए हमने साथ दिया। मुझे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सबसे अलग लगा एंड यूनिक लगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी नाइस। मैम आप बताइए, आपका एसोसिएशन बताइए और इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है, मैं इसमें जज हूँ, और सबसे पहले मैं विशाल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्योंकि इस पूरे जो ये प्रोजेक्ट है उसकी नींव इन्होंने ही रखी है, और दूसरा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजू सर जी को, जो उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया, और मतलब और मुदस्सर जी और शबीना जी के साथ काम करके इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस दिन मुझे याद है काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी हेक्टिक था, टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे बारिश की वजह से, बट इतना कोऑपरेशन था उनका और पूरा टीम का कि इतनी खूबसूरती जो आपने देखा, इतनी खूबसूरती से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो थैंक यू विशाल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू राजू सर फॉर प्रेजेंटिंग इट सो वेल, एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द इंडिया, सो आई एम
highly obliged to be part of this because India is such a big thing for all of us. So Well, firstly, कुछ लोग मुझे जानते हैं कुछ नहीं जानते तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अभिनंदन सिंह एंड पेशे से मैं एक टेलीविजन एंकर हूँ एक्टर हूँ और सो आई यूजली होस्ट टॉक शोज एंड इवेंट्स एंड आई बीन एक्टिंग फॉर शोज लाइक परिणीति एंड अदर शोज फॉर कलर्स. सो जब मेरे पास ये राजू जी ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया शो का कि नाचेगा इंडिया रियलिटी शो है, मेरे पास बहुत सारे और भी ऑफर्स थे बट मुझे ना आई डिडंट फील दैट कनेक्ट या फिर मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रही थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो आई वाज ऑलवेज स्केप्टिकल इफ आई शुड गो अहेड विद इट बट देन व्हेन राजू जी नरेटेड मी कि ऐसा है एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन वी एसोसिएट विद समबडी, कॉन्सेप्ट अच्छा होना दमदार होना इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली चीज़ ये होती है कि वो टीम कैसी है. सो इफ़ यू डोंट फील द पॉजिटिव वाइब, इफ़ यू डोंट फील कि इनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, इन लोगों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल था. सो आई वॉज लाइक कि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है जो सही मायने में नाच को नाच की तरह समझता है कि हमें जैसे उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, वी रियली वॉन्ट डांस टू कम फॉरवर्ड. एट द सेम टाइम जब अच्छी टीम एक सेट की वाइब इतनी पॉजिटिव होती है सो आई थिंक दैट्स व्हेन दैट्स हाउ मिरेकल्स हैपन. तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी एंड एंकरिंग तो मेरा एक पेशा है, दैट्स ऑलवेज बीन माई पैशन एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रियलिटी शो होस्ट करने के लिए, विच आई थिंक आई एम थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ नाचेगा इंडिया दैट दिस इज हैपनिंग एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू होस्ट एंड एंटरटेन ऑल ऑफ यू. कम कर लो यार. सो एंड आई मैं घर जाके देख लियो यार. सो आई थिंक आई रियली लुक फॉरवर्ड टू होस्ट एंटरटेन, वो मेरा एक पैशन है मुझे एंटरटेन करना बिकॉज आई बीन फ्रॉम अ रेडियो बैकग्राउंड टेलीविजन होस्टिंग टॉक शोज, मैं सेलिब्रिटी टॉक शोज करता रहता हूँ. सो वो मेरा एक पेशा है एंड आई थिंक एक बड़े पैमाने पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमारा शो आ रहा है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड. और मेरे साथ एक खूबसूरत मोहतरमा मेरी को होस्ट है रीवा अरोड़ा जो ऑलरेडी मिलेनियल्स में यंगस्टर्स में इतनी पॉपुलर हैं एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड. But it's my first time hosting. Yeah. 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 मैं इसलिए कर रहा था कि तुम comfortable हो जाओ मेरे साथ. But I think from the very first shot she was ready. And सबसे खास बात है जब से आपने प्रोमो के शॉट्स देखे हैं सो उससे पता चलता है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो क्योंकि he's also been editor. तो जब editor एक director बनता है that's the deadly combination. तो वो आपने जो शॉट्स देखे हैं वो जो कैमरा मूवमेंट्स देखे हैं जो एक कॉन्सेप्ट देखा है आइडिया देखा है तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड. आई एम रियली हैप्पी आफ्टर द प्रोमो. सो नाचेगा इंडिया टीम के लिए तालियां हो जाएं यार पहली बार. मुजफ्फर खान शबीना खान जी के बारे में तो क्या कहें, द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज अबाउट हिम एंड विशाल पूजा हमारे साथ हैं, द परफेक्ट टीम, दैट्स अबाउट इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. नाचेगा इंडिया का टाइटल ट्रैक लिखा और कंपोज किया. एक्चुअली मेरी विशाल जी से बात चल रही थी एक दूसरे गाने को लेके, तो बातों ही बातों में विशाल जी ने बताया कि हाँ एक रियलिटी शो कर रहे हैं, डांस रियलिटी शो, कॉन्सेप्ट बताया, टाइटल बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा एंड उसी दिन ट्रैक लिखा एंड नेक्स्ट डे कंपोज किया एंड अमित मिश्रा जी ने गाया, अंतरा जी ने एंड कृति ठाकुर जी ने गाया एंड मानव पोदार जी ने ट्रैक का म्यूज़िक बनाया और एंड एक्चुअली ही किल्ड इट. म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा बना है एंड आगे की अवस्था तो आप लोग जानते ही हैं. फिर आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कॉन्सेप्ट एंड आई एम थैंकफुल कि मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूँ, इस नाचेगा इंडिया कॉन्सेप्ट का मैं हिस्सा बना. आई एम रियली थैंकफुल टू विशाल जी. विशाल और पूजा आप दोनों से जानना चाहेंगे एज अ जज कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि मतलब सही टैलेंट शो में आए, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप लोग और कितना चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए. एज अ जज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक जो बच्चा होता है या फिर किसी भी एज का होता है उसके अंदर जो टैलेंट होता है वो इन्हांस करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो उसके चीज़ को जज करना और उसको जज करना गलत जज करना एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है. सो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक हुनर को पहचानना, उसकी उसे आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो बेसिकली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए और हमारा काम है
कोने कोने में जा करके, गांव गांव में जा करके, ऐसे बैकवर्ड एरियाज में जा करके जहाँ पे हार्डली किसी को कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, उस जगह पे जा करके टैलेंट को परखना और उसे एक चांस देना, एक प्लेटफॉर्म देना, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे ऊपर है। तो हम बखूबी उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आपको एपिसोड्स में दिखेगा कि हम एक से एक टैलेंट उठा करके लाएंगे, कोने कोने से उठा करके लाएंगे, जो कि सर्कस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर कल्चर डांस होगा। सो विशाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? बहुत बड़ी शो का काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे टीम के ऊपर है, और मेरा एक का ही डिसीज़न नहीं होगा कंटेस्टेंट को लेकर, सारे टीम का होगा जितने जजेस हैं। और हम लोग वही डांसर्स को आगे ले जाएंगे जो एक्चुअल में डांस कर रहे हैं, और हमारे शो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है कि हमें एक्चुअल डांस दिखाना है। सजिल भाई ने सारी चीज़ें बताई, तो हम लोग डांस को ही आगे लेके जाएंगे और कंटेस्टेंट को हम लोग गलत ना जज कर पाए, उसके लिए हमारे पास तीन और भी जजेस हैं, तो हम लोग की सहमति रहेगी और कहीं पे हम लोग किसी का भी गलत डिसीज़न ना लेकर उसको आउट करें, या किसी को हम गलत डिसीज़न लेके विनर ना घोषित करें, उसके लिए हमारे पास सारे जजेस हैं, सबकी सलाह से ही हम लोग कंटेस्टेंट को फाइनल आउट देंगे। रिवा, आपसे जानना चाहूँगा, पहला शो है ये, एज अ एंकर क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन होने वाली है, किसी से कोई इंस्पिरेशन ली आपने एंकरिंग के लिए, अगर कुछ बताया? और अभिनीत के साथ बहुत ही जल्दी अभिनंदन के साथ बहुत ही जल्दी होस्ट करने वाली है, तो कितनी एक्साइटेड है? मैंने आज इट्स माय फर्स्ट टाइम एंकरिंग और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, एंड ही इज एक्सपीरियंस्ड, तो मैं इंस्पिरेशन इन्हीं से लूंगी, बिकॉज यू नो मुझे एंकरिंग आती नहीं है एंड ना मेरे को होस्टिंग आती है, so you'll have to help me out. Absolutely, I think very sweet of her. And Riva, ऐसी है कि अगर कोई चैनल स्विच करेगा तो वो कहेगा एक सेकंड रुक जाओ, you see her. So I think वो काम कर लेंगे ये, बाकी फिर मैं संभाल लूँगा. But I think jokes apart, she's very talented. I told her mother from the very first shot जब हमने take दिया, she's very well versed with language. उनके dictions clear हैं, उनको पता है कि मेरी lines कब कैसे आती हैं. सो शीज़ ये बहुत एक्सपीरियंस है, वेटरन है, बहुत कम उम्र में वेटरन है ये, एंड बिसाइड्स बीइंग प्रिटी एंड आई वुड लव टू हेल्प हर वेर एवर शी नीड्स. यहाँ शो में नहीं, किसी भी आने वाले शो में आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू यार, एंड आई थिंक आई एम रियली लकी टू हैव सच अ क्यूटेस्ट होस्ट यार. थैंक यू सो मच राजू सर. एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, इतना बड़ा शो जो है सबके सामने लेके आना, और अगर उस बारे में कुछ बताए, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज भी है, क्योंकि ये सब हम करते हैं, हमारे लिए तो चैलेंज भी है, बस अच्छा चीज़ बना के ऑडियंस के सामने देना है, अच्छा टैलेंट निकाल के देना है. सजिल बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है, मतलब सबीना जी के साथ रहता है तो यही कोरियोग्राफ करता है, सबीना जी दूसरी चीज़ करती है, यही मेरी यही करते हैं, तो अच्छी टीम है हमारी, तो हम एक अच्छा टैलेंट ले कर आएंगे लोगों के सामने. Sir, I love to share and I would love to share because you know that when I got this opportunity of choreographing this promo shoot journey here, so it was I was very shocked because मुझे उनको shoot करना था जो already दूसरों को shoot करते हैं, you know, like मुझे sir and Shabina ji, तो दोनों सलमान भाई को shoot कर चुके बहुत time, Shabina ji ने बहुत लोगों को shoot किया, मुझे sir ने माशाल्लाह बहुत लोगों को shoot किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये डर भी था मेरे लिए और एक अचीवमेंट भी था कि अगर इसको कर भी लें तो फिर नथिंग लाइक इट. आपको उनको कोरियोग्राफ करना है जिनसे आपने सीखा है. आई लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई सिस्टर शबीना. सो एंड देन मुझे बोल दे तो कंपोजिंग द मूवमेंट्स एंड देन शूटिंग देम एट द सेम टाइम इट्स बिग टास्क फॉर मी. एंड आई थिंक सर बताया कि मैंने किया कि नहीं, पूरा जस्टिफाई उसके साथ. लेकिन शूट पर मैंने डेफिनेटली मुझे बड़ा डर तो नहीं बोलूँगा खैर, बिकॉज इतने साल दे दिया है मैंने डांस को, इतने साल इंडस्ट्री में दिया है, तो मुझे डर तो नहीं लगा था. बट आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड ऑल्सो टू शूट दैन, बिकॉज एज एवरी वन नो के वॉट शबीना जी इज एंड मुदसर इज देर क्वाइट फेमस फॉर देयर मूवमेंट्स एंड देयर क्वाइट फेमस फॉर एवरीथिंग एंड शोइंग देयर मूवमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मुदसर को एक हिप हॉप मूव्स को दिखाना और फिर उसको, और उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, डेफिनेटली बहुत सपोर्ट किया उसने, एक भी चीज़ चेंज नहीं किया. जो आई वॉज ओपन फॉर इट, इफ यू चेंज आई विल चेंज इट, आई आस्क हिम ऑल्सो, ही सेड नो इट्स वेरी गुड आई विल डू इट.
उसको बहुत अच्छे से किया है. I was very happy when I was editing this promo. I was very happy to see the result actually, and it's looking mind blowing. I think everyone likes it also. Yeah, they loved it. It was a big achievement for me actually, shooting Shabina ji and Nirav sir, and then this all Vishal, Pooja, and this Sweetie Pie. और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम अ नॉन डांसर, क्योंकि मैं एक्टिंग और एंकरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी को होस्ट अच्छी रिवा ने और इन्होंने मुझे डांस सिखा दिया, तो इनसे अच्छा कोरियोग्राफर कौन हो सकता है. But then I think बहुत अच्छा निकल गया है. छोटी छोटी चीज़ों पर भी everybody is just helping each other, and you know, सबके सपोर्ट की वजह से, मतलब यू नो, एक दूसरे का सपोर्ट है, तो ये शो मतलब बहुत अमेजिंग बनने वाला है. दैट्स गुड. एग्जैक्टली. वैशाली, नया सवाल आपसे है कि आपने प्रोमो ऑलरेडी रिलीज किए जो हमें पसंद आया है, आगे किस तरह का आपका प्रोसेस रहेगा, कब दर्शकों को ये देखने को मिलेगा, और क्या है जिसे आपने एक बार बार कहा सर ने भी कि सर्कस नहीं होने वाला है, क्या होगा, किस तरह प्रोसेसों का पब्लिक को कब देखने को मिलेगा? ये चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, और जल्द से जल्द हम इसको एपिसोड भी शूट करने वाले हैं. अभी इसके बीच में ऑडिशंस भी है, उसके लिए सारी प्लानिंग हम लोग की हो चुकी है, वो हम नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें, हाँ नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं. आज से 10 डेज़ बाद हम लोग ऑडिशन इसके शुरू कर रहे हैं. हर सिटीज़ में हम लोगों ने जो लाइनअप किया है, आज से 10 डेज़ बाद हम लोग जाने वाले हैं शूट करने के लिए. वहाँ पर ऑडिशन ले कर वहाँ से भी आएंगे, और उसके बाद इसमें डांस में हम लोग को प्रॉपर प्योर डांस ही दिखाना है. जैसा कि बताया सर्जन जी ने कि काफ़ी लीजेंड एक्टर का नाम लेकर इन्होंने बताया, तो हम लोग को वही चीज़ें वापस से लाना है. अभी सारे लोग भूल चुके हैं, सब वेस्टर्न ईस्टर्न इन सब चीज़ों को लेकर आके इतना ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे दिया, डांस भूल चुके हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग इस शो में खाली हमारा बॉलीवुड का कल्चर ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल फॉर्म, डेफिनेटली हिप हॉप इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म आई थिंक सो, एंड दैट्स माय फोर्टे. बट हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इंटरनेशनल फॉर्म पे चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, यंगस्टर्स तो कनेक्ट कर लेते हैं, बट जो फैमिली क्राउड है, जो यू नो ओल्ड एज है, उन लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. उनको आज भी पुराने गाने क्यों पसंद है, बिकॉज इसीलिए पसंद है. तो हम लोग उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग फोक करने वाले इसमें या बॉलीवुड ही करने वाले, हम लोग हर फॉर्म करने वाले डेफिनेटली. साल से जो मेरे फाइनेस्ट फॉर्म एक्चुअली ये वो टू एवरीथिंग, बट उसका एक तरीका अलग होगा डेफिनेटली. वो सिर्फ डांस के साथ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग इन दिस एक्चुअली. विशाल जी, IMAX प्लेयर है, Amazon Prime है, और एक TV चैनल भी है. हम लोग अभी बाद में हम लोग अनाउंस करेंगे, और ये शो हम लोग सितंबर में शूट करने वाले हैं. सितंबर में शूट करेंगे और अक्टूबर तक हमारे ये लॉन्चिंग हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा पूरे एपिसोड. रिवा, आपने जो है जाह्नवी की एक फिल्म भी की है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जाह्नवी की तरह दिखती है, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है, अगर कुछ कहना चाहे इस बारे? वैसे तो मतलब सभी लोग कहते हैं, एंड यू नो मुझे भी लगता है कि हम लोग रिजेंबल करते ही है, एंड मैंने उनके साथ मूवी भी की है, एंड मतलब मुझे जिन लोगों को मैं पहले से यू नो मिली हूँ, उनके साथ मूवी करने में मज़ा ही अलग होता है. यू नो जैसे मैंने अभिमन्यु भैया के साथ मूवी की थी, एंड देन अभी मैं उनको रिसेंटली मिली थी, तो मतलब इट वाज जस्ट डिफरेंट. एंड देन मैंने मॉम मूवी के टाइम पे जब मैं श्री मैम के साथ मूवी कर रही थी, तब मैं जाह्नवी दीदी से मिली थी, एंड देन गुंजन सक्सेना के टाइम पर भी मिली थी, तो मतलब इट्स लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. I'll tell you what, एक फनी इंसिडेंट ये है, शी नोज इट. सो मैंने सैडली मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी. आई लव वॉचिंग फिल्म, बट मैं वो फिल्म नहीं देख पाया, कई बार ऐसा होता है. तो जो मैंने पहली बार रिवा को देखा, तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा था, देन बातों बातों में मैंने कहा डू यू नो यू लुक लाइक जाह्नवी, एंड देन एवरीबडी अराउंड स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि मैंने गुंजन सक्सेना नहीं देखी थी, एंड देन शी टोल्ड मी कि या आई हैव प्लेड अ यंगर पार्ट जाह्नवी का. सो फिर हमने निकाला कि आप तो कटरीना जैसी भी लगती हैं. फिर सब बैठ गए देखने के लिए कि मैं किस किस तरह से लगती हूं. हां फिर ऐसे बैठ के देख रहे हैं, ऐसी लगती, ऐसी भी लगती. सब ढूंढने लग गए फिर इधर. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू.